मटन कोरमा है ये भाई इनके पास, और ये आ गया भाई चिकन कोरमा, दिस वन इज चिकन कोरमा। ये क्या चीज़ है? मटन स्ट्यू। भाई साहब क्या चीज़ लग रही है यार। ये जो ऊपर का क्रस्ट है ये ऊपर वाले पेड़े का है और नीचे एकदम सॉफ्ट है। देखो भाई ये है मटन, एक प्लेट लगा के दिखाना है कैसे लगाते हैं। ये देखो भाई ये बढ़िया सा पीस डाला भाई साहब, ये बन रहा भाई, इनके रोस्टेड आइटम बन रहे हैं। इसके अंदर क्या क्या भैया ये बन रहा है? ये भाई साहब मुबीन पे आ चुके हैं। और ये कौन से एरिया भाई? ये अकबरी गेट है। अकबरी गेट है और यहाँ पे बन रहा भाई शीरमाल। और इसको किसके साथ खाया जाता है वैसे? इसको कबाब के साथ भी खाते हैं। हाँ, इसको यहाँ के लोग चाय के साथ भी खाते हैं। चाय के साथ भी खाते हैं। चाय के साथ जबरदस्त। मीठा होता है क्या ये? नहीं मीठा तो नहीं होता है, बट इसको वैसे मतलब कि निहारी के भी खाया जाता है। निहारी के साथ तो कुलचा खाते हैं जो ये रखा है आपका। ये फ्रेश बन रहे हैं आपके सामने एकदम बढ़िया से। ये आप स्पीड देखो भाई की, ये देखो स्पीड, देखो स्पीड, ये देखो बड़े बड़े बनी देख। ये दो पेड़े जोड़ के बनता है। हाँ क्या बात है भाई, अब ये देखो क्या बढ़िया अच्छी लग रही है। ये दो पेड़े मिला दिए इसने भाई ने, और अब इसको पूरा और ये अगर देखिएगा ना, ये देख बनी, ये देख लुक एट दिस। ये जो ऊपर का क्रस्ट है ये ऊपर वाले पेड़े का है और नीचे एकदम सॉफ्ट है, देख रहा है? मतलब कि ये वैसे दिल्ली में जो होती है वो खमीरी रोटी देते हैं, बट ये क्या चीज़ है? कुलचा है। इसे कुलचा कहते हैं आप? वाह भाई वाह। गरम शीरमल निकाले जा रहे हैं आपके सामने, अभी बनाए थे और फटाफट उसको धड़ाधड़ निकाले जा रहे हैं, फर्स्ट क्लास। और इसको भी निहारी के साथ खाया जाता है, लेकिन यहाँ पे ट्रेडिशनली अगर बात करी जाए तो ये जो निकल रहा ना इसे कहते हैं ये तो खमीरी है, बट इसके अंदर इनके पास कुलचा भी है जो ऊपर से क्रंची होगा बट अंदर से एकदम सॉफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि ना इसके ऊपर दूध भी लगाया जाता है और दूध पड़ा हुआ भी जुड़ा भाई साहब। ये है जी क्या? ये मटन कोरमा है ये भाई इनके पास, और ये आ गया भाई चिकन कोरमा, दिस वन इज चिकन कोरमा। ये क्या चीज़ है? मटन स्ट्यू। भाई साहब क्या चीज़ लग रही है यार। एंड वो क्या? चिकन हांडी। चिकन हांडी देखो भाई, ये है मटन, एक प्लेट लगा के दिखाना है कैसे लगाते। ये देखो भाई ये बढ़िया सा पीस डाला, ये लग गई भाई हमारी निहारी, और इसको इंजॉय करते हैं भाई यहाँ पे कुलचे के साथ। भाई साहब ये बन रहा भाई, इनके रोस्टेड आइटम बन रहे हैं। इसके अंदर क्या क्या भैया ये बन रहा है? पसंदा किसे कहते हैं? पसंदा खत्म हो गया। अरे भाई हम तो पसंदा खाने के लिए आए थे। चलो कोई नहीं भाई, अब यहाँ पे निहारी लेते हैं और कुलचे के साथ इसको इंजॉय करते हैं। अब ये आ गई भाई साहब हमारी मटन की निहारी, एकदम बढ़िया, एकदम आप देख सकते हो कि एकदम सॉफ्ट पीस है, और साथ में ये ग्रेवी देखो आप कितनी बढ़िया लग रही है ग्रेवी। अच्छा बहुत लोगों को नहीं पता एक्चुअली में कि निहारी के अंदर आलू भी डाला जाता है ना, पूरा पूरा पीस के मैश करके डाला, थिकनेस भुना बेसन डालते हैं, कंसिस्टेंसी को थोड़ा गाढ़ा करने के लिए, क्योंकि इसमें किसी और तरह का कोई बेस है नहीं इसकी बॉडी एक्चुअली में, क्योंकि प्योर रात में इसको स्टॉक बनाया और हल्दी से बघार के परफेक्ट, और उसकी कंसिस्टेंसी के लिए अब मैदा भी डलता है बेसन भी डलता है। तो ये देखो भाई साहब ये साथ में कुलचा लेते हैं, थोड़ा कुलचा लीजिए। ओहो ये तो पैटी लग रहा है। पैटी है बिल्कुल, क्रॉजों कह सकते हैं आप। हाँ पैटी है एक्चुअली में, देसी पैटी। और ये देखो भाई ये ग्रेवी में प्याज अगर हो तो राइट वाला ग्रेवी में डुबो के खाया जाता है इसको बढ़िया से। निहारी, निहारी का मतलब ही सुबह होती है, तो ये एक्चुअली में कैसे निकाला था इसका इजाद पता कैसे हुआ था कि शुरू में मतलब जैसे वर्कर ज़्यादा होते थे तो उनको एक ऐसा खाना चाहिए होता था कि पूरा दिन उनका पेट भरा रहे, तो इसीलिए इसका इजाद किया गया था कि निहारी का, कि ये एकदम हाई प्रोटीन मील है एक्चुअली में, जब आप इसको कंज्यूम करते हो सुबह ब्रेकफास्ट पे तो आपको दिन भर भूख नहीं लगती एक्चुअली में, तो ख़ास करके ये मजदूरों के लिए लेबर क्लास लोगों के लिए बनाया गया था। पुअर मैन ब्रेड है ये। हाँ और ये देखो भाई ये है शीरमल, जिसको यहाँ पे चाय के साथ भी खाया जाता है और नहारी के साथ भी खाया जाता है, कबाब के साथ भी खाया जाता है। ऊपर जो ये पानी फेंका हुआ है केसरी, सैफरन वाटर होना चाहिए। हाँ बट ड्यू टू कमर्शलाइजेशन हाँ इट इज़ जस्ट अ क्या कलर। हाँ लेकिन जो लोग
शौकीन अपने घर पे बनवाते हैं वो इसमें ड्राई फ्रूट भी स्टफ कराते हैं, सैमन भी डालते। काफ़ी रिच फ्लेवर है और जैसे कहते हैं ना एक फैटी मील, ये वो है क्यों, क्योंकि इसको मटन जो है ना ये फैट के साथ पकाया जाता है, बोन मैरो के साथ पकाया गया है। अरे मैं कोई खास बात बताता हूँ, हम कई बार मटन खाते हैं ठीक है, अगर आप हाथ ऐसे करोगे ना तो अगर वो चिप चिप कर रहा है दैट मीन्स कि उस मटन को ना विद बोन पकाया गया, उसके अंदर बोन मैरो के पकाया गया, वो बोन मैरो की चीज़ होती है जो रिलीज होती है, है ना, चेप देती है, चेप देती है। ये देखो जैसे मतलब कि लोग हलीम खाते हैं है? यहाँ पर ऐसे ही इसको एंजॉय किया जाता है फ्राइड अनियन के साथ। तो भाई कभी आप लखनऊ आए ना तो मुबीन पे आना है। कहाँ पर है भाई, ये है भाई हमारा अकबरी गेट। आप भीड़ देख लो, आराम से लोग सारे के सारे लोग बैठ के कोई बिरयानी खा रहा है, कोई तंदूरी खा रहा है, कोई पसंदा खा रहा है, कोई निहारी खा रहा है, इंजॉय कर रहा है। आप कभी भी नेक्स्ट टाइम लखनऊ आएँ तो इसे ट्राई ज़रूर करना क्योंकि ये यहाँ की सिग्नेचर डिश है।